एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी। कोरोना के साथ ही बर्ड फ्लू का खतरा भी दस्तक दे चुका है। यूपी और उत्तराखंड में कई जगहों पर पक्षियों की मौत की वजह से हड़कंप मचा हुआ है। देश के 9 राज्यों में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी है। पीएम मोदी ने भी देश के लोगों से बर्ड फ्लू को लेकर अपील की है। मुद्दे की बात तो ये है कि कोरोना काल में अब बर्ड फ्लू के मामले जिस तरह से सामने आ रहे हैं वो खतरे के अलार्म की तरह हैं, क्योंकि दुनिया में बर्ड फ्लू की चपेट में आने वाले इंसानों में 60% लोगों की मौत हुई है। आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं खतरे का। कोरोना का खतरा अभी कम नहीं हुआ और अब बर्ड फ्लू की दस्तक की दहशत भी तेजी से फैलने लगी। बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद से पूरे देश में प्रशासन अलर्ट मोड में है। कोशिश की जा रही है कि ऐसे पक्षियों की पहचान की जाए जो कि इस जानलेवा वायरस का शिकार हो गए हैं, क्योंकि इसी तरह से बाकी के पक्षियों और इंसानों को बर्ड फ्लू के जानलेवा वायरस से बचाया जा सकता है। पीएम मोदी ने भी बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए देश के लोगों को संदेश दिया है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा है कि देश के लोगों को इस नए खतरे से सावधान रहने की जरूरत है। देश के 9 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। ये राज्य हैं केरला, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र। बर्ड फ्लू से निपटने के लिए पशुपालन मंत्रालय द्वारा कार्य योजना बनाई गई है जिसका तत्परता से पालन आवश्यक है। इसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की भी बड़ी भूमिका है। मेरा आग्रह है कि प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री साथी भी मुख्य सचिवों के माध्यम से सभी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का मार्गदर्शन करें। पीएम मोदी की फिक्र इसलिए भी जायज है क्योंकि लगातार यूपी में भी बर्ड फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं। कानपुर में चिड़ियाघर में मुर्गों की मौत बर्ड फ्लू की वजह से हुई थी, इसकी पुष्टि हो चुकी है, लेकिन इसके बाद यहां पर कई पक्षी मृत पाए गए जिस वजह से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। मरे हुए पक्षियों के शव को वन विभाग ने कब्जे में ले लिया और इनके सैंपल को जांच के लिए लैब भेजा गया। आपको बता दें कि कानपुर ही यूपी का वो शहर है जहां पर बर्ड फ्लू ने सबसे पहले दस्तक दी है। वहीं कानपुर में बर्ड फ्लू का मामला सामने आने के बाद लखनऊ के चिड़ियाघर में भी एहतियात बढ़ा दिए गए। इसी कड़ी में लखनऊ चिड़ियाघर के पक्षी बाड़ों को बंद कर दिया गया है, जहां दर्शकों को भी अब इन्हें देखने की इजाजत नहीं है। फिलहाल तो लखनऊ के चिड़ियाघर में कोई पक्षी बीमार नहीं पाया गया, लेकिन आगे बर्ड फ्लू का कोई केस ना आए इसे लेकर पहले से ही चिड़ियाघर प्रशासन अलर्ट मोड में दिख रहा है। पीलीभीत में 3 दर्जन कड़कनाथ मुर्गों की मौत के बाद हड़कंप मच गया। वहीं एक बतख ने भी यहां पर तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। इसके बाद से यहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम नजर रखे हुए है। इन पक्षियों की मौत क्यों हुई ये फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन इन मृत मुर्गों और बतख का सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजा गया है। झांसी में भी 7 जंगली कबूतर मृत हालत में पाए गए जिनके सैंपल भी लिए गए और बाद में इन्हें दफना दिया गया। झांसी में पहले भी बड़ी तादाद में कौवे मृत हालत में पाए गए थे, जिसके बाद से ही यहां पर प्रशासन अलर्ट मोड में है। झांसी शहर में चिकन के ट्रांसपोर्ट पर पहले से ही रोक लगा दी गई। वहीं उत्तराखंड में भी हालात खराब दिख रहे हैं। यहां पर ऋषिकेश एम्स में 2 कबूतरों और 28 कौओं के मृत पाए जाने के बाद से लोग दहशत में हैं। वन विभाग एम्स के आसपास के इलाकों पर नजर बनाए हुए और कौओं के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया। वहीं देहरादून में भी करीब 156 पक्षियों के मृत पाए जाने की वजह से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ और इनके सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए। आपको बता दें कि बर्ड फ्लू जिस वायरस की वजह से होता है वो बेहद खतरनाक है और जिस इंसानों में इस वायरस का इन्फेक्शन हुआ उनमें से 60% लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े बताने के लिए काफी है कि आपको बर्ड फ्लू से बहुत सावधान रहने की जरूरत है और इसे लेकर लापरवाही बरतना जानलेवा साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।